हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस डेटा को रीड करना। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को चार्ट यूज करते देखा होगा, आपने भी कभी ना कभी चार्ट रीड करने की कोशिश की होगी। आप चार्ट देख के ये तो समझ जाते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट आपको ये बात मालूम होनी चाहिए हर एक कैंडल प्राइस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, वह मार्केट सेंटिमेंट को ठीक से बताने की कोशिश करती है। सो इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक को रीड करने का एक सही तरीका सीखेंगे ताकि आप मार्केट में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। मैं हूं सीए रजत राजौरिया, क्वांट रियल एस्टेट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप में से कई लोग जानते होंगे चार्ट कई टाइप के होते हैं। अगर हम इंस्टा ट्रेड स्क्रीन पे जाते हैं और इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई कई टाइप के आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हेलो कैंडल चार्ट, एरिया चार्ट, बेसलाइन चार्ट, हाइकेनाशी चार्ट। सो अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ये अलग अलग तरीका है प्राइस डेटा को ठीक से रिप्रेजेंट करने का, और इन सभी में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि आपने आमतौर पर ट्रेडिंग स्क्रीन पर देखा होगा। तो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट की कुछ खूबियां होती हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से वह प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, प्राइस डेटा को वह किस तरीके से अरेंज करता है जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मार्केट में कर सकें। सो आइए जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दो कैंडल, इनको देख के आप समझ गए होंगे कि एक कैंडल बुलिश है, एक कैंडल बियरिश है। मतलब ग्रीन कलर की कैंडल हम आमतौर पर बुलिश कैंडल मानते हैं, रेड कलर की कैंडल हम आमतौर पर एक बियरिश कैंडल मानते हैं, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। जब तक आप कैंडल किस तरीके से बनती है इसको नहीं समझ लेते, तब तक आप कैंडल का बुलिशनेस एंड बियरिशनेस को जज ठीक से नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैंडल के तीन हिस्से होते हैं। फर्स्ट होती है रियल बॉडी, जो मेन बॉडी कैंडल की होती है वो। सेकंड होती है अपर शेडो, जिसे हम अपर विक भी कहते हैं। और थर्ड होती है लोअर शेडो, जिसे हम लोअर विक भी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलायंस की क्लोजिंग प्राइस रहा है 2500 रुपये, सो ये तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है कि रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस 2500 रुपये है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलायंस का ओपनिंग प्राइस 2300 रुपये था और क्लोजिंग प्राइस 2500 रुपये है, सो इसमें कुछ सेंस देखने को मिलता है कि रिलायंस का प्राइस ओपन हुआ 2300 पे, क्लोज हुआ 2500, मतलब 200 पॉइंट का उछाल रिलायंस के शेयर में देखने को मिला। अब ये तो हमें पता चल गया ओपन और क्लोज कितना होता है, बट ड्यूरिंग द डे क्या हुआ, रिलायंस ने कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, इसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं रिलायंस का प्राइस ओपन हुआ 2300 रुपये पे, लो गया 2200 तक, फिर ड्यूरिंग द डे हाई भी उसने 2600 तक का लगाया, एंड अल्टीमेटली क्लोज हुआ 2500 रुपये पे। सो यहाँ पे चार डेटा पॉइंट आपको मिले आज के दिन के प्राइस के, उससे आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन में रिलायंस के शेयर में किस तरीके की ट्रेडिंग हुई। सो एग्जैक्टली कैंडल भी हमें यही डेटा देती है, बट हमें उसको रीड करना आना चाहिए। सो जो बॉडी होती है कैंडल की, जो बॉडी होती है वह हमें ओपन एंड क्लोज प्राइस बताती है, और जो अपर विक होती है वह हमें हाई बताती है कि ड्यूरिंग द डे उसने कितना हाई लगाया, और लोअर ऑफ द विक बताती है, लोअर शेडो का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वह बताता है कि इतने नीचे तक प्राइस आज के दिन में गया है। सो अगर कैंडल बुलिश है, मतलब अगर कैंडल ग्रीन है, तो ओपन प्राइस बॉडी के नीचे वाला हिस्सा होगा एंड क्लोज प्राइस बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा होगा। और अगर कैंडल रेड कलर की है, मतलब बियरिश कैंडल है, सो ओपन प्राइस जो होता है वह बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा होगा एंड बॉडी के नीचे वाला हिस्सा जो है वह क्लोज प्राइस रहेगा। तो जो कैंडल होती है वह एक पीरियड की कैंडल होती है, जैसा कि अभी हमने वन डे कैंडल को समझा, वैसे ही आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा के कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इंस्टा ट्रेड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, वहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग तरीके के टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डेली कैंडल का चार्ट है। अगर मैं इसमें आर्ली कैंडल चार्ट चूज कर लूँ तो यहाँ पे आपको आर्ली कैंडल देखने को मिलेगी। तो हर एक कैंडल एक एक घंटे की कैंडल होगी, जो आपको हर एक घंटे का ओपन हाई लो क्लोज बताएगा। वैसे ही अगर आप वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको हर वीक की कैंडल दिखेगी, हर एक कैंडल एक एक वीक की कैंडल होगी। और अगर आपको कोई लोअर टाइम फ्रेम चाहिए तो आपको लोअर टाइम फ्रेम भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप अगर 5 मिनट की कैंडल देखना चाहते हैं कि हर 5 मिनट में क्या क्या प्राइस डेटा हुआ है, तो उस हिसाब से आप 5 मिनट क्लिक करके भी 5 मिनट की कैंडल्स आप प्लॉट कर सकते हैं। सो आप अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को एनालाइज करके प्राइस डेटा को रीड कर सकते हैं।
वैसे ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, अप टू 1 मिनट तक की कैंडल को भी आप एनालाइज कर सकते हैं चार्ट पे प्लॉट करके। कैंडल कोई भी यूज़ करें बट उसका मेन पर्पस होता है कि आप उसको ठीक से रीड करें, प्राइस आपसे क्या बोलना चाहता है उसको ठीक से रीड करें और आप एक मार्केट से इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करें। सो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि कैंडलस्टिक चार्ट सबसे पॉपुलर चार्ट पैटर्न है। सेकेंड हमने जाना कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है। हमने ये भी जाना कि टाइम फ्रेम किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रेडिंग की डिसीजन मेकिंग में। सो आने वाले वीडियो में कैंडल्स के अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन पैटर्न्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई करके एक राइट बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन ले सकें। सो आने वाले वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.